हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का एक न्यू टाइप हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लाइड फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन का अवकलन करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको हम बता दें कि 10th का भी मैथ स्टार्ट हो चुका है। इसमें पहला वीडियो हमने एपी का डाला है यानी समांतर श्रेणी का। अगर आपके कोई भाई बंधु और कोई 10th क्लास में हो तो उनको भी ये वीडियो के बारे में बताए और उनको दिखाए जिससे उनका पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लाइड फंक्शन अब अस्पष्ट फलन का अवकलन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया वर्ड जो आ रहा है इम्प्लाइड फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन, ये क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्लाइड फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इम्प्लाइड फंक्शन होता क्या है, अस्पष्ट फलन होता क्या है। तो देखिए, वैसा फंक्शन जिसको वाई बराबर एफ एक्स के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं इम्प्लाइड फंक्शन अस्पष्ट फलन कहलाता है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट है और लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो जब तक आप पूरे वीडियो को अच्छे से नहीं देखिएगा तब तक आपसे होमवर्क नहीं बनेगा। तो देखिए, वैसा फंक्शन जिसको हम वाई बराबर एफ एक्स के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं। यानी अभी तक हमने जो भी डिफरेंशिएशन किए थे उसमें हम आपको बताए थे, आप भी देख सकते हैं जितने भी पिछले क्लास का क्वेश्चन जो है तो हम लोग डायरेक्ट वाई बराबर देते थे। वाई बराबर जैसे साइन एक्स स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कुछ भी हो तो वाई के रूप में देते, वाई एक तरफ वाई रखते थे और उसके बाद एक्स का फंक्शन एक तरफ। लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम वाई के रूप में वाई बराबर एफ एक्स के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो ऐसा फंक्शन अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे देखिए, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर साइन वाई, यहाँ इस फंक्शन का भी इस फंक्शन में देखिए y बराबर डायरेक्ट आपको दिया हुआ नहीं है, यहाँ से y निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहेंगे और इसका हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन वाई प्लस एक्स, तीसरा है एक्स वाई प्लस टेन एक्स टू बराबर साइन वाई। ये सब क्या हुआ, आपका इम्प्लाइड फंक्शन हुआ, मतलब y बराबर एफ एक्स के रूप में नहीं है। तो इस टाइप का जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे तो चलते हैं सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, प्रश्न क्या है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर साइन वाई। तो ध्यान से देखिए, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर साइन वाई, ये एक इम्प्लाइड फंक्शन है और इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी यहाँ से हमको डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर इंग्लिश में जिसको लिखना है तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, हम आगे से इंग्लिश में ही लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, टू एक्स, तो टू तो कांस्टेंट है तो यहाँ एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स कर दी, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे ध्यान रखना। और ये थ्री है, यहाँ क्या है वाई है तो डी वाई बटा डी एक्स, हमको तो यही चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए, यहाँ साइन वाई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी साइन वाई बटा। अब मेन समस्या यहीं पे होती है, ध्यान से देखिएगा वीडियो और समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी ये बात आपको समझ में आ गया तो आप समझिए आप सीख गए, सभी इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो आप आराम से बना सकते हैं। डी साइन वाई, यहाँ पे वाई है, देखिए थोड़ा सा फिर हम पीछे चलते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, डी साइन एक्स, यहाँ x रहता है तो यहाँ x करते हैं तब इसका क्या होता है, cos x। अगर d sin थीटा है
तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे डी साइन वाई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे वाई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर डी साइन वाई बटा डी वाई लिख देंगे, क्या ये सही है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, क्यों सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सम में हम x के सापेक्ष कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, देखिए x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, y के सापेक्ष हुआ, तो सबके नीचे डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वाई है, जो कि क्या है आपका गलत है, जो कि आपका क्या है गलत है। तो यहाँ पे तो x रहना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ x लिखते हैं तो इस y से ये गलत हो जाएगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डी वाई से गुना कर देंगे, अब बटा डी एक्स कर देंगे, देखिए डी वाई डी वाई कैंसिल, बात वही आ गया। तो जहाँ पे y वाला रहे साइन y cos y, तो साइन y बटा डी वाई, फिर एक डी वाई बटा डी एक्स आपको देना पड़ेगा। तो देखिए टू डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन। थ्री डी वाई बटा डी एक्स, तो ये तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमको यही चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए साइन y का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको गुना में है। अब इसको हमको सॉल्व करके यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए टू कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स, हम डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ करेंगे, देखिए प्लस थ्री डी वाई बटा डी एक्स है, इधर आएगा तो माइनस थ्री डी वाई बटा डी एक्स टू। अब यहाँ पे देखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचा कॉस वाई, यहाँ पे माइनस थ्री, हमको क्या चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए टू ये गुना में टोटल इधर आ जाएगा, तो भाग में कॉस वाई माइनस थ्री बराबर डी वाई बटा डी एक्स, मतलब डी वाई बटा डी एक्स आ गया दो बटा कॉस वाई माइनस थ्री आपका आंसर। देखिए अस्पष्ट फलन का इस प्रकार हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। देख सकते हैं तो ये सब प्रश्न आप उतार के जरूर बनाएं। अब देखिए सेकेंड प्रश्न, सेकेंड प्रश्न क्या है, 5x प्लस 4y बराबर 10y, तो यहाँ dy बाई डी एक्स हमको ज्ञात करें। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, आपको y के रूप में नहीं है, मतलब इम्प्लाइड फंक्शन है और स्पष्ट फलन है। तो देखिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू में x है, तो डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे 4 इंटू y है तो डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पे 10y है तो देखिए डी 10y बटा, अब क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी पे आपको जोड़ देना है, क्या dx लिखेंगे, नहीं dx नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ पे dy, जब dy है तो फिर यहाँ पे dy बटा dx करेंगे। अगर यहाँ पे x रहता तो हम केवल dx लिखकर छोड़ देते, यहाँ पे अगर tan x रहता तो tan x by dx रहता। तो देखिए 5dx by dx, ये dx by dx क्या हो गया 1, टू 4 dy by dx, tan y का sec square y into dy by dx। अब हमको dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx को एक तरफ करेंगे, तो देखिए ये 5 sec square y dy by dx प्लस 4 dy by dx इधर आएगा तो माइनस 4 dy बटा dx। अब 5 dy बटा dx, dy बटा dx, dy बटा dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा sec square y माइनस 4, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से dy बटा dx क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में sec square y माइनस 4 आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का प्रश्न। अब देखिए एक तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक्स वाई प्लस टेन एक्स बराबर साइन वाई, तो डी वाई वाई डी एक्स क्या होगा, ये भी एक क्या है आपका अस्पष्ट फलन है। तो देखिए एक्स वाई प्लस टेन एक्स बराबर साइन वाई, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लस टेन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई है मतलब क्या हुआ, इंटू में है, तो इंटू वाला आपको रूल सब वही रहेगा, पीछे वाला ही थोड़ा थोड़ा नया आएगा। तो एक्स वाई का क्या, इंटू का क्या रूल है कि एक को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ेंगे तो पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए तो एक्स वाई है, तो इसमें एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू ये वाई को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, एक्स को छोड़ेंगे, अब किसका डिफ्रेंशिएशन, वाई का, तो डी वाई बटा डी एक्स। ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन इतना हुआ इनटू वाला रूल से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टैन एक्स, तो डी टैन एक्स, यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल वाई वाला में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, एक्स वाला में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, साइन वाई, तो डी साइन वाई, क्या बताइए यहाँ पे डी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे डी एक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई। और डी वाई जब लिखाएगा यहाँ, जैसे ही लिखेंगे तो ये बगल में डी वाई बटा डी एक्स आपको करना अनिवार्य है। अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स वन इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो देखिए ये y प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एक साइड कर लीजिए एक तरफ, और ये कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर रखेंगे और एक एक क्वेश्चन समझने का और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि आपका डिफ्रेंशिएशन जो टॉपिक है बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब डिफ्रेंशिएशन अच्छा होगा तो समझिए पूरा कैलकुलस जो आगे है वो सब अच्छा हो जाएगा। तो देखिए वाई सेक स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस वाई और यहाँ पे एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स चाहिए तो देखिए वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये गुना में है, इधर आ जाएगा आपका भाग में कॉस वाई माइनस, सॉरी देख लीजिए कॉस वाई माइनस एक्स बराबर डी वाई बटा डी एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स आपका आ गया वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉस वाई माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, यानी आप आसानी से ये सब प्रश्न को बना लेंगे। अब चार नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, बहुत छोटा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष आपका अवकलन करने पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको तो हम डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हम डी एक्स लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वाई जो फंक्शन है वाई का है, तो यहाँ पे डी वाई, और फिर जैसे ही डी वाई लिखाएंगे तो यहाँ डी वाई डी एक्स बराबर डी वन है तो डी वन बटा डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक्स के पावर एन का है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या, पावर आ जाएगा तो टू एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा तो टू वाई डी वाई डी एक्स बराबर डी वन बाई डी एक्स। तो वन क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस टू एक्स इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं टू टू कैंसिल तो आ गया वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स, और यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटा वाई, ये आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट है पाँच नंबर प्रश्न, प्रश्न हम काफ़ी करवा रहे हैं इसलिए, क्योंकि आपको जब तक प्रश्न ज़्यादा नहीं होगा तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप लोग टाइम निकाल कर बढ़िया से देखिए, आप अगर वीडियो तो ज़्यादा लंबा होता नहीं, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, आप 20-25 मिनट ध्यान से देखिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो
तो देखिए अब क्या है कि अगला प्रश्न है x के पावर 5 प्लस y के पावर 5 बराबर 5 इंटू एक्स वाई। अब इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी यहाँ से dy बटा dx हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x के पावर 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स, और y के पावर 5 है तो डी वाई के पावर 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स नहीं लिखेंगे। यहीं पे हम आपको थोड़ा सा जोर दे रहा है, यही चीज़ आपको सीखना जरूरी है, डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही हम डी वाई लिखेंगे तो इधर डी वाई बटा डी एक्स करेंगे प्लस। अब देखिए 5, अब क्या है x इंटू वाई, अब इंटू वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इंटू वाला कैसे लगेगा, x का डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो y को छोड़ देंगे और प्लस, अब x को छोड़ेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर आ गया तो 5 आ गए, अब पावर में से एक घट जाएगा तो 5x के पावर 4, y के पावर 5 का तो सही होगा पावर आ गया, पावर एक घट जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए 5 डी एक्स बाई डी एक्स 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको इसको सॉल्व करके डी वाई बटा डी एक्स निकाल लेना है। तो देखिए 5x के पावर 4 प्लस 5y के पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, अब 5 में y से गुना करेंगे 5y, अब 5 में x से गुना करेंगे तो 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ और जितना भी शेष बचा उसको एक तरफ। तो देखिए 5y के पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर है तो माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर देखिए 5y आप प्लस 5 के पावर x के पावर 4 है तो माइनस हो जाएगा 5x के पावर 4। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 5y के पावर 4 माइनस 5x और इधर हो जाएगा 5y माइनस 5x के पावर 4। अब देखेंगे अब डीवाई बाई डी एक्स करेंगे, ऊपर देखिए 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स के पावर 4 बटा, नीचे भी इसमें भी 5 कॉमन लेंगे तो y के पावर 4 माइनस एक्स, ये कैंसिल, यानी आपका आंसर हो गया y माइनस एक्स के पावर 4 फिर y के पावर 4 माइनस एक्स। अब देख रहे होंगे तो इस टाइप से आप ये सब प्रश्न आप बना सकते हैं। हम 5 प्रश्न आपको करवाए हैं, फिर अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है छठा नंबर, देखिए छठा नंबर क्या कहता है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए तो इसमें क्या करेंगे, वैसे ही डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई है तो इनटू का रूल, तो डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो वाई को छोड़ देंगे फिर एक्स को छोड़ देंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब यहाँ वाई स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे डी वाई स्क्वायर, बट यहाँ बताइए क्या लिखेंगे, तो डी वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर टेन एक्स है तो डी टेन एक्स बटा डी एक्स, और यहाँ वाई है तो डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए वाई स्क्वायर का तो 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ करेंगे जितने भी डी वाई डी एक्स है, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स इधर आ गया तो माइनस डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इधर आ गया तो माइनस वाई। अब डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स निकल जाएगा क्या, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा, ये गुना में है टोटल उधर जाएगा भाग में, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो ये सब प्रश्न आप कॉपी में नोट करके फिर से बनाएंगे और आंसर मैच करेंगे। आज आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, देखिए
आज के लिए होमवर्क क्या है कि डी ओवर डी एक्स ज्ञात करें। पहला प्रश्न, एक्स प्लस टू वाई बराबर कॉस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर सौ, एक्स वाई बराबर फाइव। ये तो चार प्रश्न आपको हो गया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी का 5.3 का एक्सरसाइज फुल बन जाएगा पूरा। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन का पूरा वीडियो देखे हैं तो एक्सरसाइज 5.3 पूरा बन जाएगा और 5.2 में 1 से R तक के प्रश्न आपको बन जाएगा। जिनको अगर दिक्कत है तो पीछे का वीडियो पूरा देखे और जो भी वीडियो है आपको पूरा देखने का प्रयास करें। और ये होमवर्क बनाकर आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएंगे कि हमने होमवर्क बना लिया है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और टेंथ का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो भी टेंथ में अगर आपके कोई भाई बंधु है उनको आप जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका डिफरेंशिएशन का बहुत ख़तरनाक वीडियो होने वाला है, इसलिए उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और ये सब आप प्रायः यानी डिफरेंशिएशन का ये आपका एक लय में आ गया है आपको, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।